इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी। सोचा कि अपने लिए बना रही थी, तुम्हारे लिए भी बना दूं। अब तुम्हें यहाँ 1.5 महीना हो गया आए हुए, इसमें क्या तकल्लुफ। वैसे तुमसे पहले बहुत पेइंग गेस्ट आए, लेकिन तुम जैसा कम गो कम बोलने वाला कंपोज्ड इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट। मैं शुरू से कम ही बोलता हूँ। हाँ, लेकिन जब दो लोग इकट्ठे घर में रह रहे हो तो कभी ना कभी तो बातचीत हो ही जाती है। हाँ, तो आई एम ओपन फॉर दैट। आप बातचीत कीजिए, आप पूछिए क्या पूछना आपको। जस्ट लाइक जुनैद। जुनैद माय एक्स हस्बैंड, वो भी तुम्हारी तरह कम बोलने वाला इंसान था। जब भी बात करो मैं ही शुरू करती थी, और मेरी दोस्त हमेशा कहती थी कि जो कम बोलने वाले इंसान होते ना, वो अंदर से हमेशा मीसने होते हैं। एंड शी वाज राइट। शादी के 1 साल बाद ही हमारी डिवोर्स हो गई, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई और आ गई, और मुझे देखो मैं अकेली रह गई। बट डोंट यू थिंक कि अकेले रहना ज्यादा फायदेमंद होता है? आई मीन, इंसान किसी को आंसरेबल नहीं होता, उसकी चॉइसेस उसकी अपनी होती हैं, अपनी मर्जी से लाइफ गुजारता। हाँ, लेकिन कभी ना कभी तो आपको कोई चाहिए होता है ना जिंदगी में, जिसके साथ आप अपनी खुशियां और गम बांट सके। लेकिन अक्सर हम जिससे गम और खुशियां बांटते हैं वो हमें ही बांट के चला जाता। बातें तो तुम बहुत गहरी करते हो। अब मुझे देखो, फैमिली लॉयर हूं, हमेशा कोशिश करती हूं कि लोगों के रिश्ते महफूज रहें, उनका घर ना टूटे, लेकिन अपना घर ही ना बचा सके। Come on, you don't have to think like that. Don't blame yourself. I think Junaid didn't deserve you. You really mean that? Yeah. Thanks. Coffee kaisi? As a matter of fact, maine abhi tak pi nahi thi, so let me try. चीनी कम ज्यादा? इट्स परफेक्ट। थैंक यू। उसको चैन नहीं। हेलो, क्या हो रहा है मैडम? बस यार, वो मिसेस दाऊद के बेटे और बहू का केस स्टडी कर रही हूँ, चाह रही हूँ कि दोनों में सुलह हो जाए। वैसे अब तक कितनी तलाकें करवा चुकी हो? एक्सक्यूज मी, मेरे 90% केसेस में मेरी कोशिश होती है कि मैं डिवोर्स ना दिलवाऊं, सुलह हो जाए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं, तो मजबूरन तलाक खत्म होनी पड़ती है। खैर, और सुनाओ, अपने उस पेइंग गेस्ट से दोस्ती वोस्ती हुई या नहीं? हाँ, बस हाय हेलो ही है। मतलब ये कि वो दिन में यूनिवर्सिटी पे होता है, रात में कॉल सेंटर में जॉब करता है, हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारा ये लड़का ना है बड़ा हैंडसम। उस दिन जब मैं आई थी ना, तो चोरी चोरी मुझे देख रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था कि मेरे पास आके बैठ जाए। Impossible. अगर तुम किसी और के बारे में बात कर रही होती ना, मैं मान जाती, लेकिन शिराज का ये करना not possible. वो तो जब से आए ना, उसने मुझे भी नजर उठा के नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसी हॉट हसीन सेक्सी लेडी को कोई नजर उठा के ना देखे? अच्छा अच्छा, बस बस। लो जी, अब हॉट को बंदा हॉट ना बोले तो फिर क्या कहे? अच्छा बताओ मिशी, कोई जरूरी काम के लिए कॉल किया? नहीं बाबा, बोर हो रही थी, सोचा तुमसे गपशप लगा लूं। हाँ, तो मुझसे मेरी बातें करो ना, तुम मेरे पेइंग गेस्ट को डिस्कस कर रही हो,
हाँ हाँ, अब डिस्कस करने वाली चीज को लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो मैडम और क्या करेंगे। यू टू मच मिशी। अच्छा मैं जरा बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। लपक झपट मन डोले तेरे द्वार, तुझसे हो गया प्यार। तेरी अदा, तेरी अदा, आग लगाए मन मचले सो सो बार, तुझसे हो गया प्यार। आज कॉल सेंटर नहीं जाना? ऑफ है आज मेरा। ओह गुड गुड, तो तुमने सोचा मैं मूवी देख लूं। हाँ कौन सी देख रहे हो? ब्रिजेस ऑफ मेडिसिन काउंटी। मेरिल स्ट्रीप, ओह माय गॉड, दिस इज माय फेवरेट मूवी। मैं तो मेरिल स्ट्रीप की कोई मूवी मिस नहीं करती। यू माइंड इफ आई जॉइन? श्योर, व्हाई नॉट। एक बात कहूं? श्योर। तुम इतने डिफरेंट क्यों हो? जैसे कि तुम बात नहीं करते, तुम अपने काम से काम रखते हो, किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करते, जिस किस्म की तुम मूवीज देखते हो, जैसा तुम्हारा म्यूजिक में टेस्ट है। I mean, generally, guys your age are not into this kind of stuff. Well, I think taste ka age se koi lena dena nahi hota. Koi bhi taste kisi bhi age mein develop ho sakta. Aur mujhe na shuru se apne se badi umar ke log hi pasand the. Shayad isliye mera koi dost bhi nahi. Dost nahi hai to yakeen aa sakta hai, lekin girlfriend to hogi. सच पूछे ना तो
गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं। इम्पॉसिबल। आई मीन यंग हो, गुड लुकिंग हो तो गर्लफ्रेंड क्यों नहीं? क्या कहूं? See, I have a lot of responsibilities. Job है, डिग्री भी कंप्लीट करनी है, घर वालों को सपोर्ट करना, तो मुझ जैसे लड़के गर्लफ्रेंड अफोर्ड नहीं कर सकते। It's a full-time job and ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। और अगर गर्लफ्रेंड सपोर्टिव मिल जाए तो? अभी तक तो कोई मिला नहीं ऐसा, और आई थिंक मेरा सबसे काम का ही ताल्लुक है। तुम ऐसा करो, मूवी पॉज करो, मैं पॉपकॉर्न लाती हूँ, फिर स्टार्ट से देखेंगे, ठीक है? अच्छा। हेलो। हाँ हेलो, बोलो ना जान। करने वाला था, कॉल करने वाला था, कसम से करने वाला, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? कल? हाँ तो कल तो मिल ही रहे ना, आज मुश्किल है, आज नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी, मुझ पे शक। मैं लोकेशन भेजूं, आके चेक कर लो। ऑफ कोर्स आई लव यू यार, ये कोई पूछने की बात है? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, सीरियसली। जान निकालती थी मेरी, ड्रामे मत किया कर। अच्छा सुनो, वो अरे मेरी लैंडलेडी जो है ना, वो पास में ही है, उसने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। मैं करूंगा बात सुनने से पहले पक्का, आई प्रॉमिस। अच्छा अच्छा मैं रखता हूँ बस। ओके चलो, ऑलराइट, टेक केयर, बाय। छपट मन डोले तेरे द्वार, तुझसे हो गया प्यार। लपक छपट, लपक छपट, लपक छपट मन डोले तेरे द्वार, तुझसे हो गया प्यार। तेरी अदा आग लगाए, तेरी अदा आग लगाए, मन मचले सौ सौ बार, तुझसे हो गया। Thank you.
मॉर्निंग मॉर्निंग। कल रात मूवी देखते हुए आंख कब लगी पता ही नहीं चला। नींद कब आ जाए कहां पता चलता। कॉल। sure. हाँ मिशी। बोर हो रही थी सोचा तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लूं। नहीं यार आज नहीं आज तो बहुत काम है मुझे। वैसे कल तुम्हारा ये पेइंग गेस्ट होगा घर। तुम्हें मुझसे मिलने आना या उससे। आना तो तुमसे मिलने ही है सोचा उसको भी देख लूंगी आंखों को थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी। हद है मिशी कभी कभार तो तुम ऐसी बातें करती हो कि मुझे हैरत होती कि हमारी दोस्ती कैसे है। वेल दोस्ती होने के लिए नेचर का मिलना जरूरी नहीं होता। नेचर ना भी मिले माइंड तो मिलने चाहिए। हाँ हाँ जैसा तुम्हारा उस लड़के से मिल गया। हाँ ये तो तुम कह सकती हो उसकी और मेरी सोच काफी मिलती है। पसंद और नापसंद भी एक जैसी है बस एक मसला है कि वो बोलता नहीं। Exactly. यानी कि मैं बात करूं तो वो बात करता है वरना तो वो घंटों चुप रहता है। वैसे ना ये बात मानने में नहीं आती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं मेरी जान तुम सच कह रही हो लेकिन मुझे ना इसके कैरेक्टर पे थोड़ा सा डाउट है। देखो एक तरफ तुम कहती हो कि वो बोलता बहुत कम है और दूसरी तरफ वो कॉल सेंटर में जॉब करता है तो मेरी जान दिस कांट बी पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए हर वक्त बोलना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्लाइंट को कन्विंस भी करना पड़ता है। बातों का ये तो खाते हैं ये लोग। इनफैक्ट कॉल सेंटर में जॉब करने वाले नॉर्मल लोगों से ज्यादा ही बोलते हैं लेकिन तुम कहती हो कि वो बोलता नहीं। मुझे ना इसका कैरेक्टर थोड़ा सा शेडी लगता है। आई मीन एक ही शख्स एक वक्त में दो जिंदगी कैसे जी सकता है। तुम अब तक गए नहीं। हाँ बस एक आध घंटे में। एक बात पूछूं तुमसे। जो मैंने तो सुना है कि जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं वो बहुत बातूनी होते हैं और लोगों को अपनी बातों के जादू से कन्विंस करते हैं और पता नहीं क्या क्या। तुमसे जब मैं बात करूं तो तुम सिर्फ जवाब देते हो। यू आर सो क्वाइट। बस यूं समझ लीजिए कि मैं अपनी बातों का कोटा ऑफिस में ही पूरा कर लेता हूं। प्लस दैट्स माय जॉब आई मीन आई गेट पेड फॉर इट पैसे मिलते हैं उसके। हाँ कि जो मैं खामोश रहता हूं मेरा नेचर है। इट्स जस्ट माय नेचर। मुझे क्यों लगता है कि कभी कभी तुम मुझे अवॉइड करते हो। नो नॉट एट ऑल। बस ऑफिस से आकर अगर मैं सबसे ज्यादा किसी से बात करता हूँ तो आपसे ही करता हूँ। यू आर अ वंडरफुल वुमन। व्हाई वुड यू थिंक लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है सीरियसली। आई थिंक मैं शावर ले लूँ फिर ऑफिस के लिए भी जाना है। See you. शिराज मैं दो दिन के लिए लाहौर जा रही हूँ। एक केस की हियरिंग है। तुम जरा प्लीज घर का ख्याल रखना और हाँ जाने से पहले घर की लाइटिंग ऑफ कर देना ठीक है। डोंट यू वरी। अब तुम्हें कुछ लाहौर से चाहिए। नो ओके टेक केयर। यू टू। बाय बाय।
हेलो, हाउ आर यू? हाँ नहीं नहीं, आज मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ सकूँ भाई। डेट कैंसिल नहीं कर रहा, सिर्फ वेन्यू चेंज कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी जो लैंडलेडी है ना, वो दो दिन के लिए लाहौर जा रही है, सो आई एम टोटली अलोन। यस, एंड यू नो व्हाट अलोन मींस? यस, हाँ नहीं, 8 बजे से लेट मत करना। मेक श्योर यू आर हियर एट 8। यस, हाँ हाँ, तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है। आज तुम्हारे लिए बहुत खास तैयारी करूँ। हाँ ठीक है, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ मैं तुम्हें, पिन कर दूँ। ओके, लव यू टू, सी यू टुनाइट। जी जी मिसेस दाऊद, मैं क्या बताऊं, 6 घंटे एयरपोर्ट पे मैंने जाया किए हैं। बस वो लाहौर में वेदर की वजह से फ्लाइट डिले हो गई थी। जी जी बिल्कुल, मैं कल सुबह की फ्लाइट लेके डायरेक्ट कोर्ट पहुंची। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। अरे क्या क्या यार दानिश, बार बार बेल बजा रही हूँ, एक बंदा एक मैसेज ही।